10:30 क्या कहता है कि भाई 10 अपॉन वाई है, दिस अप दिस अपॉन दिस 10:30, 10 अपॉन वाई हो गया क्योंकि ये एंगल कितना था 30। अब आप इस शुरू करते हैं, क्या है कहानी इस वीडियो की, सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल है, देखेंगे समझेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या है, टू पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर। बेटा कोई ग्राउंड है, सबसे पहले इसके ऊपर बेटा कोई टावर है, ये लीजिए ये हो गई आपकी टावर, ठीक है। टू पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, कहने का मतलब ऐसे कुछ है, ये ए हो गया ये बी हो गया, ठीक। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये बेस है टावर का, ये और ये एक ही स्ट्रेट लाइन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 60 एंड 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है बेटे, यहां से ये बेटा 60 डिग्री है, यहां से ये वाला ये बेटा 45। बात समझ आई। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, बेटा हाइट जो है ना वो 15 मीटर है, बात समझी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छी बात, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। अगर ये एंगल 60 तो बेटा ये वाला 60 डिग्री, ये 45 तो ये वाला बेटे 45 डिग्री, बोलो बात समझ आती है, ठीक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं x ले लूं और यहां से यहां तक का अगर मैं y ले लूं तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y माइनस x, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। लिख लेते हैं y माइनस x, दिस इज आवर आंसर, ये हमने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, यही वाला तो हुआ डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है। किस तरीके से होगा आप ध्यान से समझिए जरा इसको बेटा, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो यहां से, टेन 60 क्या कहता है बेटा, टेन 60 कहता है 15 बटे x हो, यहां से यहां तक x, मतलब ये x हो गया 15 बटे x टेन 60, ठीक है। इस बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़ो, इस वाले को, इसके अंदर क्या है, ये हो गया बेटे टेन 45, ये किसके बराबर है, ये है 15 बटे में x, सॉरी दिस होल y, यहां से यहां तक हमने क्या लिया था, ये लिया था हमने y, तो ओवरऑल 15 अपॉन y, आ समझ आई। मुझे क्या चाहिए, y माइनस x चाहिए, यहां से y निकालेंगे x निकालेंगे सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से, देखिए tan 60 रूट 3 होता है, ये 15 बटे x हो गया, तो x की वैल्यू बेटे 15 बटे रूट 3 आ गई। यहां से y निकाल लो, 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन y, तो y की वैल्यू बेटे 15 आ गई, बोलो बात समझ आए, क्लियर है। अब देखिए ये 15 है, ये है, मुझे चाहिए था y माइनस एक्स, तो 15 माइनस 15 अपॉन रूट 3 मैं कर दूं, दिस इज अवर, क्लियर है। 15 कॉमन लो, अंदर क्या है 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ये तो 15, ये हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 नीचे 3, ठीक है। 15 बटे 3 रूट थ्री माइनस वन, ये बन जाएगा 3 5 15, तो ओवरऑल आंसर आपका आता 5√3 अंदर √3 माइनस वन, और ये है आपका रूट थ्री की वैल्यू याद कर लेना 1.732 होती है, इसमें प्लेस करो, गेट योर आंसर एंड कमेंट, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट सवाल ये है जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसको, स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, ठीक है जी, क्लियर है। कैसे करेंगे समझ लेते हैं इसको। ए फायर इन ए बिल्डिंग बी इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन टू टू डिफरेंट स्टेशन पी एंड क्यू 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट रोड। देखिए कुछ ऐसा है, ये बेटे बिल्डिंग है बी, ठीक है, दो फायर स्टेशन है, इसके अंदर फायर की खबर आई, दो फायर स्टेशन है, पी है और एक है बेटा क्यू, ठीक है। पी ऑब्जर्व्स दैट द फायर सॉरी इन ए फायर इन ए बिल्डिंग बी इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन टू टू डिफरेंट फायर स्टेशन पी एंड क्यू 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड के ऊपर पी ऑब्जर्व दैट फायर इज एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, पी जो है वो देखता है फायर को एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, टू द रोड। एंड क्यू ऑब्जर्व्स दैट इट इज एन एंगल ऑफ 45 टू द रोड, और क्यू देखता है कि भाई ये जो एंगल है ये 45 डिग्री, बात समझे। विच स्टेशन शुड सेंड इट्स टीम एंड बाई एंड हाउ मच विल दिस टीम हैव टू ट्रैवल, कहने का मतलब क्या है कि कौन से स्टेशन को अपनी फायर की टीम भेजनी है,
और दोनों को ही इनका अपने डिस्टेंस भी बताना है कि ये कितनी कितनी दूरी पर है। एक चीज है, यहां से यहां तक आपको बेटे 20 किलोमीटर बोला गया है, ठीक, बात समझे। और कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐसा है नहीं। विच स्टेशन टू सेंड इट्स टीम, तो जो स्टेशन बेटे पास होगा उसको भेजनी पड़ेगी, हमें बस ये पता लगाना है कौन सा स्टेशन पास है। कैसे पता चलाएंगे, देखिए बेटे यहां से यहां तक मैं x ले रहा हूं, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा। कितनी बात समझ आती है, ये x है 20 माइनस, क्योंकि टोटल 20 था, इसे मैं बिल्डिंग को y ले लेता हूं। ध्यान से समझ लीजिए, अब इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो बेटा, ये क्या है, ये है tan 60, ये किसके बराबर हुआ, y अपॉन x tan 60। इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, ये वाला, ये कितना बन रहा है, ये है बेटे tan 45, और ये हो जाएगा y अपॉन में 20 माइनस x। बात समझ गए, क्लियर है। यहां से हम x कैलकुलेट कर लें, तो tan 45 1 होता है, तो y 20 माइनस x है, तो मतलब 20 माइनस x इज y, इसे ब्लॉक कर दो, ठीक है। यहां से निकाल लो, रूट 3 इज इक्वल टू y अपॉन x है, तो रूट 3 x इज y, ये दूसरी रूट 3, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस x, बात समझ आई, 20 माइनस x इज रूट 3x, इसे इधर ले आओ, तो रूट 3x प्लस में x इज 20। कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 आ जाएगी यहां पे, ये 20, x कॉमन लेने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आए। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 20, नीचे रूट 3 प्लस 1 है, ठीक है। रेशलाइज का डिनोमिनेटर कर देना, यहाँ पे नाइन्थ का सेक्शन है, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 आ गए। बोलो इतनी बात समझ आती है। नीचे आइडेंटिटी लगा देना, a माइनस बी और a प्लस बी, ध्यान से देख लो यार, नोट डाउन कर लिया। तो ये क्या बन रहा है, ये बेटे 20 3 माइनस 1, यही बनेगा भाई, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, 3 माइनस 1 बटा 2 आएगा, तो ये आ गया 2 और ये आ गया रूट 3 माइनस 1, ये बन गया 10 और ये क्या बन गया 1.732 माइनस 1, यही होती है वैल्यू, ध्यान से देख लीजिए। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो 10 और ये 0.732 आ जाएगा, बात समझे, बोलो क्लियर है। अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.32 किलोमीटर आ रही है, किसकी वैल्यू, x, बात समझ, x कितना है 7.32 है। अब देखिए ये बेटे 7.32 किलोमीटर आया, रिमेनिंग मतलब मोटा मोटी आप 20.0 में से 7.32 माइनस कर रहे हैं, 10, 2, 8, 9, 3, 6, 9, 7, 2, 1, 12.6, ये वाला स्टेशन इतने किलोमीटर दूर है, ये वाला इतने किलोमीटर, किसको भेजनी चाहिए, पी को, क्योंकि जो पास में होगा उसी को भेजनी चाहिए, है कि नहीं, तो कौन सा है, पी है। दोनों कितनी दूरी पर हैं, ये दोनों आपने निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, नोट डाउन करिए, ठीक है जी। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं, ये लीजिए, क्या कहा जा रहा है, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। बेटे क्या है, ये वाटर है, वाटर लेवल है, 10 मीटर की ऊंचाई के ऊपर कोई मैन है, ठीक है। He observes that the angle of elevation of the top of cliff is 45. यहां पर कोई क्लिफ है, यहां से देखता है टॉप को, तो एंगल बनता है बेटे कितना, 45 degree, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30, और यहां से जब इसके बेस को देखता है तो ये वाला एंगल बेटे 30 degree। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, भाई क्लिफ को शिप से ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ की हाइट पूछी जा रही है यहां। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल, कैसे होगा देखते हैं, इतना आप ड्रॉ कर लीजिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक।
अब देखिए कहानी क्या है बेटे, ये 10 मीटर है तो यहां से यहां तक बेटे ये 10 मीटर होगी। इससे ऊपर मैं एक्स ले लूं, यहां से यहां तक मैं वाई ले लूं, आपको कोई दिक्कत है नहीं। ये 30 है बेटे, तो ये वाला 30 डिग्री हो गया, इतनी बात तो समझ आती होगी, ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो यार, tan 30 क्या कहता है कि भाई tan अपॉन y है, this अपॉन this, tan 30, tan अपॉन y हो गया क्योंकि ये एंगल कितना था 30। अब आप इस वाले को पकड़ लीजिए, ठीक है, अगर ये y है तो ये वाला पार्ट भी y हो गया, तो tan 45 किसके बराबर है बेटा, ये हो गया x अपॉन पाई, दो इक्वेशन बना, बात समझे। हाइट ऑफ क्लिप क्या होगी, हाइट ऑफ क्लिप बेटे x प्लस टेन हो, x प्लस टेन हो, ठीक है, और एक दूसरा y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये दोनों ही तो आंसर होंगे, बात समझ आ रही है भाई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने y लिया है, तो y भी चाहिए मुझे, x भी चाहिए, निकालेंगे यहां से निकाल लेते हैं, 1 अपॉन रूट 3 इज टेन अपॉन y, y की वैल्यू बेटे टेन रूट, कहने का मतलब एक आंसर आ गया टेन रूट, क्लियर है, मीटर लगा देना साथ। दूसरा टेन 45 है, 1 इज इक्वल टू x अपॉन y, तो y इज इक्वल टू x के बराबर है, तो कहने का मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा टेन रूट 3 आ गई, ठीक है। अब हाइट ऑफ क्लिप क्या थी, x प्लस टेन था, तो टेन रूट 3 प्लस में टेन कर देना, तो रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, और ये आपका दूसरा, इज दिस क्लियर। बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक है, और स्मार्ट वर्क करिए, अलग अलग ट्राइंगल लेके बैठे मत रहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है, ये है जी सवाल, दिख रहा होगा, चलिए, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप विच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल, सेम सा सवाल है, ये बेटे वाटर लेवल है, बना देते हैं इसको भी, ये हो गया वाटर लेवल, 8 मीटर की ऊंचाई पे है, ये 8 मीटर है, यहां से देख रहा है कुछ, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल इज 60 डिग्री, यहां पर कोई हिल है, ठीक है, यहां से टॉप देखता है तो एंगल बनता है बेटे कितना 60 डिग्री का बनता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बेस ऑफ द हिल इज 30, यहां से बेटे इसके बेस को देखा तो ये एंगल बेटा 30 डिग्री का उसे दिखता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, भाई ये वाला हिल और शिप इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, वाई ले लेते हैं, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ हिल, और हाइट ऑफ हिल पूछी जा रही है, बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया, ये 8 मीटर है, तो बेटे सीधा यहां पे 8 मीटर लिख दो, यहां से यहां तक 8 मीटर, ऊपर के पार्ट को आप ले लीजिए, बोलो बात समझ आई, ये वाई है तो ये वाला पार्ट भी आपका वाई हो, दिमाग में बैठा लीजिए खटाखट खटाखट, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, हमें दो वैल्यूज चाहिए, हमें वाई भी चाहिए तो वाई भी निकालेंगे, दूसरा एक्स प्लस एट चाहिए, एक्स प्लस एट, ये दोनों हमारे आंसर होंगे, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ये देखिए ये वाले ट्राइंगल के अंदर ये 30, तो बेटा ये वाला 30 डिग्री, इसके अंदर tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा बेटे 8 अपॉन में y, एक नंबर की इक्वेशन, क्लियर है। ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा बेटे x अपॉन में y, बोलो बात समझ आई, यहां से इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, दोनों वैल्यूज निकाल ली ना, ये इक्वेशन बना के सॉल्व करना, ये बेटे स्मार्ट वर्क के पहले ही बता रहा हूं, करना सीख जाओ, बहुत ईजी लगेगा मैथ। tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 3 होता है, ये 8 अपॉन y होता है, तो y की वैल्यू बेटे 8 रूट 3 आ गई, बोलो बात समझ आई, तो इसका आंसर एक तो निकल गया 8 रूट 3 मीटर, ठीक है। दूसरा tan 60 क्या है, रूट 3 है, और ये क्या है, x अपॉन y है, तो y इज इक्वल टू रूट 3 y इज इक्वल टू x, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y क्या निकाला है 8 रूट 3, इसमें प्लेस कर दो, रूट 3 मल्टीप्लाई 8 रूट 3, ये आपका x, तो 8 3 24 मीटर, ये x है, कहने का मतलब ये बेटे 24, ठीक है, ये 8 है, तो 24 प्लस 8 32 मीटर, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, बोलो एग्री, क्लियर।
कोई लोचा पोचा कुछ भी नहीं इसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सटीक आंसर। देर किस बात की है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ना सीख जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको सवाल मिलेंगे, आपसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सवाल मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए। थैंक यू।